नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज का हमारा सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट होने जा रहा है जो कि हमने फोटो एडिटिंग के लिए बनाया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे एमएस पेंट के थ्रू किसी भी फोटो के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और अपने अट्रैक्टिव थंबनेल के तौर पर यूज कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं एडिट करने जा रहा हूँ, मेरे पास एक इमेज है। आप प्रेफर कर सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज का वाइट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर कोई एक सिंपल सिंगल कलर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको एडिटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मैं कि एक इमेज लेने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, इमेज पर राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट करना है। राइट, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज हो गई है। आपको यहाँ से छोटा भी आप इस इमेज को कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं या फिर 25% पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका पिक्सल बहुत बड़ा है, इस वजह से ये बहुत बड़ी इमेज दिख रही है और उतना ही बड़ा इसका साइज़ हो जाएगा। अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ यूट्यूब के थंबनेल के अकॉर्डिंग। राइट, हमको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने में आती है। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पर जाएंगे। सिलेक्ट के नीचे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा ट्यूटोरियल बताया था। सिलेक्ट के नीचे आप देखेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन पर जाके अब आपकी यहाँ पे माउस की एक्यूरेसी देखी जाती है। तो मैं अब इस इमेज को थोड़ा जूम कर देता हूँ पहले। फर्स्ट हम बात करेंगे नीचे, काम करेंगे बॉटम हाफ पे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इमेज के साथ साथ इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे। ऐसे करते करते आपको ड्रैग करना है। ये आपकी क्लैरिटी के ऊपर आपके कितना अच्छा माउस पे आपका होल्ड है, और फिर आपको इस पे ले जाके मैच कर देना है। डिलीट आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। डिलीट करते आप देखोगे कि फोटो के साइड का जो पोर्शन है वो रिमूव हो गया है। और अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो आप यहाँ पे इसको जूम कर सकते हैं, और जूम करने के बाद भी शार्पनेस बना सकते हैं। राइट, और एक बारी में आप कितना भी बड़ा पोर्शन कट कर सकते हैं। डिलीट का बटन मैंने दबाया है अभी। डिलीट करने के बाद ऐसे ऐसे करके हम इसका इमेज का पोर्शन सिलेक्ट कर करके कट कर लेंगे। राइट, आपकी जो भी इमेज है आप उसको ऐसे कट करते जाइए। अब देखो, जो हमारे पास फोटोशॉप होता है ना, जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, फोटोशॉप में भी बेसिकली यही फीचर है। उसमें आपको मैग्नेट दिखेगा, वो मैग्नेट वो अपने आप थोड़ा एडवांस होता है, वो अपने आप कलर को कैच करता जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट नहीं है, हमें मैनुअल वर्क ज़्यादा करना होता है। तो मैनुअल वर्क में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, बट आप जैसे जैसे आपका टाइम इस पर ज़्यादा देना लगोगे, आपकी एक्यूरेसी और अच्छे से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी हमारा फोकस है एज रिमूवल पे। तो हमने क्या करना है कि इनकी एज को रिमूव करते हम चले जाएंगे। अब देखो फ्रेंड, जैसे ही आपने इसकी एज रिमूव कर ली, अभी मैंने आपको समझाने के लिए बस थोड़ा जल्दी करा है, जैसे ही आपने इतना पार्ट रिमूव कर लिया है, अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ से इरेजर लेना है। इरेजर लेने के बाद आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए कंट्रोल प्लस दबा के। कंट्रोल प्लस दबा दबा के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। राइट, बड़ा करने के बाद जितना भी पोर्शन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है आप इसको यहाँ से रिमूव कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हमने पूरा प्रॉपर ग्रीन कलर जो है इमेज में से रिमूव कर दिया है। आप चाहते हैं इसकी जगह दूसरा कलर लगाना वाइट कलर की जगह, तो आप यहां से सिंपली कलर लेके फिल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे येलो कलर भी आ गया है, क्योंकि मैंने एजेस रिमूव करते टाइम यहां से भी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा एज रिमूव हो गया था, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर आप चाहते हैं वाइट कलर रखना, तो वाइट कलर पर बिल्कुल परफेक्टली ये फोटो दिख रहा है। और आप जिस भी फोटो का एडिट कर रहे हैं उसकी एज के टाइम पर ध्यान रखना है कि आप जो एक्स्ट्रा कलर है वही रिमूव करें, नहीं तो आपको जो अभी प्रॉब्लम दिख रही थी वैसी प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है। अब हम चाहते हैं कि इसी सेम पॉइंट पे ही हम इसका थंबनेल क्रिएट कर दें। या तो हम इस फोटो को कहीं और यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पे इसका थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंट में ही मैं इसका थंबनेल बना दूं, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है और इस इमेज को लेके लेफ्ट टू राइट आप यहां से मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड के थ्रू थंबनेल बनाना, तो मूव कर सकते हैं, और राइट पे रखना चाहते हैं तो राइट पे भी आप ये प्रॉपर्ली कर सकते हैं। आप इमेज को लाके
रोटेट पे क्लिक करेंगे, रोटेट पे जाके इसको फ्लिप कर देंगे हम। फ्लिप करते ही इस फोटो का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि थंबनेल हमारा और अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा यहाँ पे 72 तक का होता है आप देखेंगे तो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको मैनुअली 200 कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा और बड़ा दिखे। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा माई फोटो बैकग्राउंड रिमूव्ड इन 2 मिनट्स। इस तरीके से मैंने बनाया है। और आप इसका थोड़ा और साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, मैं आपको 300 करके दिखा देता हूँ। 300 करने के बाद ये थोड़ा आधा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर शेप दिखेगा, आप इसको नीचे ड्रैग करके रख देंगे। और ड्रैग करने के बाद आप इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं सिंपली फ़ोटो के थ्रू। और चाहते हैं किसी किसी कलर का आप बीच में कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रेड कर सकते हैं आप। और ऐसे ही बाकी फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं इनका, आप इधर से आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, दूसरा फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये एक थंबनेल मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, और आप इस तरीके से अपने लिए थंबनेल बना सकते हैं अपनी फ़ोटो के थ्रू, और उसकी भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हैं, और आप मल्टीपल जगह अपनी फ़ोटोज़ का करेक्शन कर पाएंगे। और बैकग्राउंड रिमूवल आपको सिर्फ यहाँ पे काम नहीं देगा, बहुत जगह काम देगा। अगर आप कोई फ़ोटो कहीं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना डालना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली अपने फ़ोटो कंप्यूटर में सेव करना है और बैकग्राउंड आप वहाँ से पासपोर्ट का भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने घर पर फोटो क्लिक करी है अपनी, कोई कर्टन पीछे आ रहा है, तो कर्टन भी आप यहां से रिमूव करके ब्लू कलर फिल करके एक प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं पेंट के थ्रू। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और आप अपनी फोटोज के बैकग्राउंड को भी अब रिमूव कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम हिंदी टाइपिंग के टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, थंबनेल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और पेंट के थ्रू हम कैसे उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।